गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस हमेशा लेके आता रहता है। व्हाट्सएप की जो ऐप है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस और कुछ नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ ही टाइम पहले व्हाट्सएप पे जो स्टेटस है, स्टेटस फीचर, उसके अंदर चेंजेस हुआ था। पहले जो व्हाट्सएप स्टेटस आप लगाते थे वो 30 सेकेंड्स का लगता था, अब जो व्हाट्सएप स्टेटस लगता है वो 15 सेकेंड्स का ओनली लगता है। तो ऐसे ही अभी व्हाट्सएप का एक और नया फीचर आने वाला है जिसके बारे में व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा ये मतलब न्यूज स्प्रेड हो रही है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप में आपको 3 टिक का एक मिलने वाला है नया फीचर, जो कि रेड टिक होंगे। हाँ, पहले आपको देखने को मिलते थे ग्रे टिक और ब्लू टिक, अब जो नया फीचर आने वाला है उसमें मिलने वाला है रेड टिक। तो इन्हीं रेड टिक का क्या मतलब है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ में वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी वीडियो। तो हेलो गाइज, मैं गोपाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ट्रक टेक। तो गाइज, व्हाट्सएप के अंदर जो ये नया फीचर आने वाला है 3 रेड टिक का, इसमें तीनों रेड टिक का मतलब क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो ये न्यूज़ मुझे कहाँ से मिली थी, ये न्यूज़ मुझे मिली थी अपने एक ग्रुप के अंदर से, जहाँ पे मेरे पास एक फोटो आई थी जिसके अंदर ये लिखा हुआ था। मतलब आपको ब्लू टिक और ग्रे टिक का तो पता ही होगा कि पहला जो ग्रे टिक होता है उसका मतलब होता है आपके यहाँ से मैसेज सेंड हो चुका है, फिर आपका जो डबल ग्रे टिक होता है तो उसमें पता चलता है कि मैसेज आगे वाले को डिलीवर हो चुका है, और जैसे ही दोनों ग्रे टिक ब्लू टिक हो जाए तो आगे वाले ने मैसेज रीड कर लिया है, उसके पास रीड रिसिपिएंट ओपन है। तो ये तो मतलब होता था ग्रे टिक और ब्लू टिक का। अब जो रेड टिक आया है उसका क्या मतलब है? रेड टिक के लिए उन्होंने इस न्यूज़ में बताया है कि यहाँ पर 3 रेड टिक मिलेंगे आपको। पहला जो रेड टिक होगा उसका मतलब होगा कि आपने जो मैसेज फॉरवर्ड किया है वो फेक है, मतलब यह मैसेज फेक है और अब गवर्नमेंट इसकी जांच करने वाली है। वो कब पता चलेगा? जब आपके डबल टिक हो जाएंगे, तो मतलब ये होगा कि आपने जो फेक मैसेज किया था वो गवर्नमेंट को पता चल गया है, और अब आपकी जो मतलब सेकेंड रेड टिक लग चुका है इसका मतलब गवर्नमेंट आपकी जो मैसेज है उसकी जांच कर रही है कि ये कितना फेक है। और जैसे ही थर्ड आपको रेड टिक मिल जाता है उसी मैसेज पे, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया है, उन्होंने देख लिया है कि आप अपनी फेक न्यूज़ को बढ़ा रहे हो आगे से आगे, और अब आप जेल जाने वाले हो। तो एक्चुअल में गाइज कितनी सच्चाई है इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी तक व्हाट्सएप ने ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं की है, तो ये एकदम फेक न्यूज़ है, पूरी तरीके से फेक है। इसके लिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना हो सके गाइज ये हमेशा से सब कहते हुए आए हैं, चाहे कोई भी हो, आप कोई भी व्हाट्सएप पर अगर कोई भी जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड करते हैं तो उससे पहले उसको सोचिए कि क्या रियल में ये न्यूज़ सही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फेक न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है, और आज का जो टेक्नोलॉजी का टाइम है इसमें एक फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होकर बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। इसीलिए आप कभी भी कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करें तो आप ज़रा सोचिए कि रियल में ये मैसेज हमें आगे भेजना चाहिए या नहीं, और ये कितना सच है। अगर सच्चाई है, आपको लगता है, आपने उसकी पूरी छानबीन कर ली है, तो आप स्प्रेड कर दीजिए, लेकिन अगर आपको पूरा बिलीव नहीं है तो आप मत भेजिए उसको, आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। तो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई और न्यूज़ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में ये भी बताइएगा कि आप तक ये न्यूज़ अभी तक पहुंची है या नहीं। तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।